टुडे वी हैव स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक थैलेसीमिया हेरिडिटरी एक्वायर्ड एनीमिया हीमोफीलिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट आई विल डिस्कस हियर नॉर्मल इंट्रो पढ़ाऊँ, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि इस डिसीज़ में आपको केवल इंट्रो पढ़ना है। सिकल सेल एनीमिया मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। थैलेसीमिया आर इन हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर करेक्टेड बाय डिक्रीज हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है थैलेसीमिया। कॉज का तो जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, इसको अदर नेम से जानते हैं थैलेसीमिया। ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन चिलेशन या फिर फॉलिक एसिड ले सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसीमिया। सिम्टम्स फीलिंग टायर्ड, पेल स्किन, स्प्लीन में लार्ज हो जाएगी, येलो स्किन एंड डार्क यूरिन। ठीक है, इसके बाद सेकेंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज बाय एक्वायर्ड लैक ऑफ विटामिन B12, लैक ऑफ फॉलिक एसिड। ठीक है, इनहेरिटेड एबनॉर्मलिटी ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मे बी द कॉज। एक्वायर्ड कॉज ऑफ द इनसफिशियंट विटामिन B12 इन कॉल द फॉलोइंग इन एडिक्वेट इनटेक इन डाइट। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से या इन एडिक्वेट डाइट की कमी से कौन सी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। हीमोफीलिया में जाइए, हीमोफीलिया इज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज ऑफ एबनॉर्मल एक्सीग्रेटेड ब्लीडिंग एंड पुअर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, हीमोफीलिया एंड A&B आर द इनहेरिटेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसीव जेनेटिक पैटर्न, सो मेल्स आर कॉमनली अफेक्टेड बाय फीमेल एंड आर यूजली कैरी ऑफ द डिसीज। ओके, हेरिडिटरी में आ जाइए, हेरिडिटरी डिसऑर्डर क्रिएटेड एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड कैन शॉर्टन द लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड लीड टू एनीमिया। ठीक है, मतलब कि जो RBC है उसका जो लाइफ है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और एनीमिया होती है, एनीमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, इसमें हेरिडिटरी एनीमिया, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर जिसमें कि सिकल सेल की हो जाती हैं RBCs। हेरिडिटरी डिसऑर्डर कैन ऑल्सो कॉज एनीमिया बाय इम्पेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, फॉर एग्जाम्पल अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ओके, तो दीज आर फोर अलग अलग कैटेगरी की एनीमिया है।